Carboxylic acids, these are class of important organic compounds containing functional group COOH called carboxylic acid. Carboxylic acids दो ग्रुप से मिलके बने हैं, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कार्बोनाइल से कार्बो और हाइड्रोक्सिल से ओ एक्स वाई मिलकर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कंपाउंड कंटेनिंग सी ओ एच ग्रुप मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक. अगर आर ग्रुप है, सिंपल कार्बन चेन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर बेंजीन रिंग लगी है या एरोमेटिक कंपाउंड साथ में है तो कार्बोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम कहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक सी ओ एच ग्रुप है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल अगर एक सी ओ एच ग्रुप है. अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड आ गया, ग्लूटारिक एसिड आ गया जिसमें सी दो सी ओ एच ग्रुप है. थर्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें तीन सी ओ एच ग्रुप हैं, जैसे एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड. और लास्ट वन बेंजोइक एसिड रिंग के साथ अगर डायरेक्ट सी ओ एच ग्रुप लगा हुआ है. कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला मेंबर जिसमें एक कार्बन, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको नाम मिला, ये लैटिन भाषा का शब्द है. फॉन्ट को लैटिन भाषा में, लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं. तो फॉर्मिक एसिड ये एक पंजेंट सब्सटेंस है दैट मे आंट यूज टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो यहाँ से इसको नाम है फॉर्मिक एसिड. सेकंड है एसिटिक एसिड. तो विनेगर एसिटम को बोलते हैं तो इसलिए इसका नाम कॉमन नेम एसिटिक एसिड. थर्ड प्रोपेनोइक एसिड. तो फर्स्ट फैट प्रोपिनियोन, तो यहाँ से इसको नाम पड़ा प्रोपेनोइक एसिड. फोर्थ कार्बन ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम ये प्रेजेंट इन बटर सो नेम्ड एज ब्यूटायरिक एसिड. नेक्स्ट पांच कार्बन का वेलेरिक एसिड, ये प्लांट जिसका नाम वेलेरियन है उससे नाम से इसका नाम पड़ा है वेलेरिक एसिड. और जिसमें छः कार्बन का इसको कैपरिक एसिड बोलते हैं. कैपर एक्चुअल में इस गोट का नाम है तो गोट के नाम से इसका नाम ही उसमें प्रेजेंट होते हैं ये फैट तो या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो इससे यहाँ नाम पड़ा कैपोरिक एसिड. नाउ आईपीसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे हमने पहला मेंबर बताया फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम. यहाँ आईपीसी नेम लिखने में सेम वही रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले. एक कार्बन में वही मिथ सिंगल बॉन्ड है तो ए एन इज रिप्लेस बाय फंक्शनल ग्रुप. यहाँ फंक्शनल ग्रुप में हम ओ आई सी एसिड लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड में ओ आई सी एसिड लिखते हैं. तो जैसे मिथेन मिथेनोइक एसिड बनेगा सी ओ ओ एच मिथेनोइक एसिड. दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड. तीन कार्बन है तो प्रोप ए एन ओ आई इज रिप्लेस बाय फंक्शन ग्रुप प्रोपेनोइक एसिड. चार कार्बन है कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड और आईपीएसी नेम में ब्यूटेनोइक एसिड. अब इस तरह से हम ले तो चेन को सिलेक्ट करना है, तीन कार्बन की चेन बनी 1 2 3 इस कार्बन को ही नंबर 1 देना है. तो यहाँ से हम इसका आईपीएसी नेम क्या बन जाएगा, 2-methyl-propane-1-oic एसिड भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड या मेंशन कर देना है जहाँ पर फंक्शन ग्रुप है तो 1-oic एसिड. सेम हियर 1 2 3 4 चार कार्बन है, ये आपकी साइड चेन या इसको साइड चेन में आ जाएगा तो ये आपका 1 2 3 फंक्शन ग्रुप से नंबर देना है. 3-methyl-butanoic एसिड या ब्यूटेन 1-oic एसिड इसको हम लिख सकते हैं. इस तरह से हम इनके आईपीएसी नेम्स जो है ये लिख सकते हैं. अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम, रिंग के साथ डायरेक्ट सी ओ एच ग्रुप लगा है तो बेंजीन बेंजोइक एसिड बनता है बनेगा. ये कॉमन इसको ऐसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ते हैं. तो यहाँ पर बी ई एन जेड ई एन ई, ई एन ई की जगह यहाँ पर ओ आई सी एसिड लगाना है हमने.
अब ये साइड चेन में सी एच थ्री आ गया, रिंग में आ गया, तो हम इसको पोजीशन मेंशन करेंगे, यहाँ नंबर वन देंगे इस कार्बन को, ये टू, तो टू मिथाइल बेंजोइक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तो आपने बेंजीन पूरा लिखना है, ई भी नहीं रिप्लेस करना है, वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। कॉमन नाम इसका थैलिक एसिड है। अब ये वन और फोर पोजीशन पर है तो इसको पढ़ेंगे बेंजीन वन थ्री डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम आइसो थैलिक एसिड है। अब ये इस तरह से हैं, तो ये आपका अमीन अमीनो ग्रुप आ गया वन, टू पोजीशन पर, यहाँ से नंबर देना है टू अमीनो बेंजोइक एसिड, यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ दो पोजीशन पर है तो टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाउ आइसोमर्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो शो फंक्शन आइसोमर्स, चेन आइसोमर एंड फंक्शन आइसोमर। तो चेन आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा मगर अरेंजमेंट ऑफ चेन इन मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होगी, या दो डिफरेंट कंपाउंड्स में चेन जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ चेन आइसोमर के लिए हमेशा फोर कार्बन से ऊपर का ही एग्जांपल लेना है, जैसे हमने यहाँ फोर ब्यूटेनोइक एसिड का एग्जांपल लिया है, तो चार कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप को नंबर वन ही आएगा यहाँ पर, ब्यूटेन वन ओइक एसिड। यहाँ भी देखो तो ये पर ये चला गया आपका साइड चेन में टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से हम फाइव चेन, सिक्स चेन, सेवन चेन का एग्जांपल कोई भी हायर का ले सकते हैं, पर फोर से ऊपर का ही लेना होता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज। जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल ले लिया C2H4O2, अब इसकी अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं तो ये एसिटिक एसिड बना, उतने ही कार्बन, उतने हाइड्रोजन, उतने ऑक्सीजन। अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये मिथाइल फॉर्मेट बन गया। यही चीज़ हम इसमें देखें, अब हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड है और OH है ये अरेंजमेंट में, तो ये बन गया ग्लाइकोएल्डिहाइड। इसी को इस तरह से अरेंज कर दिया तो हाइड्रोक्सी इथेन ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं।